जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आज आप लोगों के बीच में आया हूं। पिछली बार हम लोग फ्राइडे को जो है लर्निंग सीरीज का वीडियो नहीं ला पाए थे, तो इस बार हम लर्निंग सीरीज का वीडियो लेके आए हैं और आप चौंक जाएंगे सुन के कि इस बार लर्निंग सीरीज के वीडियो में हम शिवाजी महाराज का वीडियो लेके आए। बहुत सारे कमेंट्स थे और लगभग 4 से 6 महीने से कमेंट्स आ रहे थे कि हम अपने चैनल पर शिवाजी महाराज को लेके एक वीडियो बनाए, तो फाइनली शिवाजी महाराज का ये वीडियो हमारा तैयार हो चुका है और बहुत कुछ जानने और समझने का मौका आज इस वीडियो के अंदर आपको बना मिलेगा, तो लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष यादव, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे। शिवाजी महाराज 16 फरवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था और मराठाओं के दिल में इन्होंने एक अहम जगह बनाई थी। माँ जीजाबाई ने इनका शुरू से लालन पालन किया था क्योंकि पिता बहुत ज्यादा व्यस्त रहते साजी भोसले, तो माँ जीजाबाई ने इनका लालन पालन किया। शुरू से भगवत गीता, रामायण और कृष्ण के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें, राम कृष्ण के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी पौराणिक कथाओं के बारे में जीजाबाई ने इनको सिखाया, इनके अंदर वीरता कूटनीति सारे गुण जो है कूट कूट कर इनके अंदर डाले, तो शुरू से ही ये ओजस्वी थे। कम उम्र में ही इनके अंदर एक अलग लीडरशिप, नेचुरल वास्तविक लीडरशिप इनके अंदर झलकती थी और कम उम्र में ही इन्होंने 3 साल तक पूरे जंगल जंगल भटके और आसपास के लोगों को उन्होंने देखा कि इनके अंदर ताकत बहुत है, लेकिन इनको करना क्या है ये इनको पता नहीं था। तो पहली बार गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर कर इन्होंने कहा कि मुगलों ने मराठाओं को गुलाम बना रखा है और गुलामी एक मानसिकता है और इसे हम तोड़ के रहेंगे। और पहली बार आदिल शाह, निजाम शाह जो उस समय के सबसे बड़े मुगल थे, उन्होंने इनको मराठाओं को मुगलों ने गुलाम बना के रखा था और इस सोच को खत्म करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे। इस मानसिकता को, इस गुलामी की मानसिकता को, इस नौकर की मानसिकता को हम खत्म करेंगे। खंजर निकाला, रक्त निकाला और शिव जी का शिव अभिषेक कर दिया और स्वराज्य यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। और अपनी हर स्वराज्य यात्रा में इन्होंने कहा कि गुलामी सिर्फ मानसिकता है, इसको हम तोड़ के रहेंगे और इस गुलामी से हम बाहर निकल के रहेंगे। अब शिवाजी महाराज को बाहर निकालना है तो कोई बड़ी सेना तो इनके पास थी नहीं, कोई पावर तो था नहीं, सोर्स नहीं था, रिसोर्स नहीं था, इनके पास कोई ज्यादा फंड नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, बुद्धिमानी से युद्ध करने की प्रयास किया। इनको कॉम्बिनेशन अवतार कहा जाता है, पावर और बुद्धि का कॉम्बिनेशन अवतार। शिवाजी महाराज के अंदर महाराणा प्रताप जैसी पावर और ताकत और शौर्य तो था ही था, लेकिन कौटिल्य आचार्य चाणक्य पिता का तरह इनके अंदर कूटनीति भी थी, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन अवतार माना जाता था। इन्होंने जो है छापामार युद्ध शुरू कर दिया, इनको जो है पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता था। कौटिल्य की तरह इन्होंने दिमाग लगाया, कूटनीति लगाई, पहाड़ों से कब कहां से निकलेंगे, कहां युद्ध कर देंगे और किस तरीके से निकल के छापा मारी, पीछे से युद्ध करना, इस तरीके की जो है इन्होंने नीति अपनाई। इसको गोरिल्ला युद्ध भी बोला जाता था और मुगलों के बहुत सारे सैनिकों को मारा और धीरे धीरे युद्ध का विस्तार करते गए। छोटी सी सेना से शुरुआत करी और दक्षिण से लेकर गुजरात तक बहुत बड़े राज्य का जो है इन्होंने विस्तार करा दिया और लगातार आगे जो है बढ़ते चले गए। एक बार आदिल शाह ने इनके पिता को गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया, कारावास में बंद कर दिया। अभी सोचने लगे कि क्या करें, बहुत दिनों तक सोचते रहे, सोचते सोचते फिर इनके दिमाग में एक प्लानिंग आई, इन्होंने दिमाग लगाया। उस समय शाहजहां दिल्ली में था, ये शाहजहां के पास पहुंच गए और इन्होंने जो आदिल शाह और शाहजहां दोनों मुसलमान थे लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है, दोनों को आपस में लड़वा दिया। इन्होंने दिमाग लगाया, अपनी बुद्धिमानी से शाहजहां को कहा कि भाई दक्षिण में आपको बहुत सारे युद्ध करना है और पीछे से हम ही आपका बैक सपोर्ट करेंगे, आप आदिल शाह पे प्रेशर बनाइए और मेरे पिता को छुड़वाइए। और पिता को छुड़वा लिया आदिल शाह पर प्रेशर बना के। इनका शिवाजी महाराज का लक्ष्य था युद्ध जीतना, अब बिना लड़े भी यदि युद्ध जीता जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये बुद्धिमानी थी शिवाजी महाराज के अंदर। शिवाजी महाराज युद्ध के साथ साथ विस्तार पर भी ध्यान देते थे। कोकण से लेकर गुजरात और गोवा तक की जो निचली पूरी पट्टी है उसमें पूरी नेवी तैयार करी, एक सेना तैयार करी, समुद्री सेना तैयार करी। शिवाजी महाराज को फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। अब जो आदिल शाह था वो शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, तो उसने अपना जो सबसे पावरफुल सेनापति अफजल खां जो उनका चीफ था उसको उसने भेजा शिवाजी महाराज से को हराने के लिए, कुछ प्लानिंग बनाने के लिए। अफजल खां ने दिमाग लगाया, अफजल खां सोचने लगा कि शिवाजी महाराज बहुत ही ईमानदार आदमी है, तो उन्होंने एक प्रपोजल शिवाजी महाराज को अफजल खां ने भेजा, अकेले में मिलना चाहता हूँ शिवाजी आपसे, और ना तो आप सेना लेके आओगे, ना मैं सेना लेके आऊंगा, ना आप हथियार लेके आओगे, ना मैं हथियार लेके आऊंगा। वो चाहते थे कि शिवाजी महाराज
बहुत ईमानदार आदमी है और ये बिना हथियार के आ भी जाएगा। शिवाजी महाराज ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है मैं तैयार हूँ। अब शिवाजी महाराज जो है आप पूरी स्ट्रेटेजी बना के चलते थे, अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती थी, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके रखते थे कि प्लान ए ये रहेगा, ऐसी परिस्थिति रही तो प्लान बी रहेगा, प्लान सी को कब अपनाना है, कब क्या हो सकता था, बहुत सोच समझ के जो है चला करते थे। अब शिवाजी महाराज पहुंच गए मिलने के लिए। अब शिवाजी महाराज से ढाई गुना बड़ा लंबा जो है कौन ये, अब इसके सामने जब गए गले मिलने के लिए तो शिवाजी महाराज छोटे पड़ गए। अब अफजल खान ने निकाला खंजर और घोपा इसको शिवाजी महाराज को। अब शिवाजी महाराज पहले से जानते थे, शिवाजी महाराज ने एक लोहे की पीतल की एक जाली बनाई, जैकेट पूरी जैकेट बनाई और पहन के रखी तो वो अंदर घोप नहीं पाया। शिवाजी जी महाराज सतर्क थे, वो पहले से जानते थे, ईमानदारी पूरी, लेकिन अपनी जो प्रिपेयर पूरी तरीके से शिवाजी महाराज होके जो है आते थे। अब शिवाजी महाराज ने भी नुकीला चाकू यहाँ पर रखता था, खंजर रखते थे, वो निकाला, हाथ जोड़ा किया, घोप दिया और जैसे शिवाजी महाराज ने अफजल खान के अंदर घोपा तो किडनी भी बाहर निकाल ली और वहीं पर जो है अफजल खान की मौत हो गई। अफजल खान का जो ये शिवाजी महाराज की जो थी ये शेर के पंजे से भी तेज था, ये जो नख उनका नख जो हथियार था उससे भी तेज था और खतरनाक तरीके से जो है वहां पर अफजल खां का उन्होंने वध कर दिया और रुके नहीं, तुरंत युद्ध किया, सेना को मारा, मनोबल बढ़ाया और जीतते ही लगातार जो है आगे शिवाजी महाराज चले गए। तो शिवाजी महाराज से हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है कि अपनी प्रिपेयर हर तरीके से रहिए, ईमानदार रहिए लेकिन पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए और हर परिस्थिति के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 प्लान तो होना ही चाहिए। शिवाजी महाराज से एक चीज और जो हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि रुकना नहीं है। प्रतापगढ़ का किला जीते लेकिन रुके नहीं, ऐसा नहीं कि आराम करो, बहुत बड़ी जीत मिल गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, नहीं रुके नहीं। 18 दिन के अंदर फिर एक पनवल का किला जो है इन्होंने जीत लिया। तो कभी भी रुकते नहीं थे, अपने राज्य का विस्तार भी करते जाते थे, हर छोटे छोटे बिंदु पे ध्यान देते थे, कहां पर कौन सी प्लानिंग अपनाना है, किस राज्य में कहां पर किस किले में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़े कोर ग्रुप्स, बहुत सारे जनरल, बहुत सारे मंत्री जो है इनके हुआ करते थे, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग बिंदु पर जो है काम करते थे। अब शिवाजी महाराज की हार पर भी चर्चा कर लेते हैं। राजा जयसिंह हुआ करते थे जिनको मुगलों ने मिर्जा बना के रखा था। एक बार शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह का युद्ध होता है, उसमें राजा जयसिंह जीत जाते हैं। अब राजा जयसिंह जीत जाते हैं तो वहां पर एक ट्रिटी शाइन करवा लेते हैं, वो ट्रिटी शाइन करवा लेते हैं तो शिवाजी महाराज के 23 फोर्ट 23 किले जो है उसमें जो है चले जाते हैं, 23 किले जो शिवाजी महाराज हार जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं है शिवाजी महाराज, रुकते नहीं है, कुछ सालों तक लगातार युद्ध किया और 360 नए किले जो है शिवाजी महाराज यहाँ पर जीत लेते हैं। तो उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में रुकना नहीं, मतलब हारे भी वहां पर भी उन्होंने कुछ चीजें हारी लेकिन रुके नहीं, लगातार विस्तार करते चले गए, कुछ हारे 360 फिर जीत गए। और शिवाजी महाराज का किसी धर्म से युद्ध नहीं था, मुसलमानों से उनका कोई युद्ध नहीं था, उनकी जो लड़ाई थी वो मुगलों से लड़ाई थी, मुसलमानों से उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मुसलमान तो जो है उनकी टीम में थे, बहुत सारे जनरल थे उनकी टीम में, बहुत सारे सेनापति थे उनकी टीम में, बहुत सारे मुसलमान उनके दोस्त थे, उनकी जो लड़ाई थी मुगलों से थी, जो बाहर से आए थे हिंदुस्तान में और जो है मुगलों मराठाओं को उन्होंने गुलाम बना के रखा था, मराठाओं को ट्रीट कर रहे थे, उनसे उनका जो है युद्ध था। अब एक और एक चीज जो शिवाजी महाराज को अलग बनाती है वो बनाती है महिलाओं के, स्त्रियों के प्रति सम्मान। शिवाजी महाराज का कहना था स्त्रियों को, औरतों को और बच्चों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी उनको परेशान नहीं करेगा। एक तरफ जहां मुगल स्त्रियों को पकड़ते थे, मारते थे, काटते थे, रेप करते थे, मंदिर तोड़ते थे, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी मुगल अपनाते थे, लेकिन वहीं शिवाजी महाराज का कहना था कि कोई भी धर्म या पंथ का हो हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को नीचे नहीं झुकाएंगे, स्त्रियों पर, बच्चों पर, औरतों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। ये मुगलों से बहुत अलग और डिफरेंट शिवाजी महाराज को ये चीज बनाते थे और इस वजह से ये चीजें उन्होंने अपनी सेना में भी ये गुण डाले थे, सेना के हर व्यक्ति तक, सेनापति तक, जनरल तक, सैनिकों में भी ये गुण डाले थे और इसी वजह से शिवाजी महाराज के लिए हर सैनिक और सेनापति मरने के लिए तैयार था। ये शिवाजी महाराज के अंदर स्त्रियों के प्रति जो सम्मान था उन्होंने एक अलग ही यूनिक इंसान जो है शिवाजी महाराज को बना दिया था। आज का ये वीडियो था शिवाजी महाराज का और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काफी डिमांड पर ये वीडियो हमने बनाया, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस यूनिक वीडियो को शेयर किया जाए,
उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। इस सारे बहुत सारे इसी प्रकार के वीडियोस जो है आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।